पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों की पॉटी एरिया किस तरीके से साफ़ करें, मीन्स बच्चों की पॉटी कैसे साफ़ करें। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि मैम प्लीज़ बच्चों की पॉटी साफ़ करने का तरीका बताइए। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन फिर मुझे फ्रिक्वेंटली इस पर 3-4 बार ये चीज़ मुझसे कही गई कि मैम प्लीज़ इस पर एक बार बताइए, क्योंकि कभी कभी हम ठीक से बेबी को हैंडल नहीं कर पाते जब वो पॉटी कर लेता है, तो हम कैसे बच्चे की पॉटी को साफ़ करें वो पॉटी कर लेता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको लेंथी ना करते हुए शॉर्ट में जल्दी से बताने की कोशिश करूँगी कि आप किस तरीके से, अगर बच्चा जैसे स्पेशली ये उन मॉम्स को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है जब वो न्यूली मॉम है और फर्स्ट टाइम वो माँ बनी है और उनका नन्ना सा बेबी है, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं बता रही हूँ आपके लिए यूज़फुल होगी। तो सबसे पहले अगर जैसे बच्चा पॉटी कर लेता है, आपको ये चीज़ जैसे छोटा बच्चा है तो उसका हमें कोई टाइम नहीं पता कि वो किस समय करेगा, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, कितनी बार करते हैं उनका कोई काउंट नहीं होता है। 5 से 6 बार भी कर सकते हैं, कभी कभी स्किप भी कर सकते हैं, कभी 6 बार, कभी 7 बार, कभी 10 से 12 बार, बहुत ज़्यादा उनका कोई काउंट नहीं होता है, स्पेशली छोटे बच्चों का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बच्चा पॉटी उसने कर ली है और उसने डायपर पहना हुआ है, तो आपको फटाफट डायपर साइड से उसको वहाँ से फाड़ के निकाल देना है। कोशिश बिल्कुल भी ना करें कि डायपर से ही पहुँचें, आप बिल्कुल डायपर को साइड में फेंक दें, ठीक है। और कुछ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे बच्चे के नीचे हमेशा इस तरीके के सीट यूज़ करें। ये शीट आराम से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, आपको दिख रही है स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इस तरीके के आप सीट यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी बेबी के लिए अक्सर जब से वो उसका जन्म हुआ है तब से ही मैं यूज़ करती आ रही हूँ, और जब वो सोती है तब मैं इसे ज़रूर उसके नीचे लगाती हूँ, ठीक है। और जब वो पॉटी कर लेती है तब भी उसके नीचे ये सीट हमेशा रहती है, ताकि जो सराउंडिंग उसके कोई भी कपड़ा है वो गंदा ना हो। गए छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा छटपटाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उनके पैर गंदे हुए, कुछ भी गंदे हो गया, तो सिर्फ इसी पर लगेगा और ये बिल्कुल वाटर, मैं माफ़ी चाहती हूँ बार में ये जो पटाखों की आवाज़ आ रही है उसके लिए प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इन आवाज़ों के लिए। तो आप इस तरीके के प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, आराम से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं जाके। तो इस तरीके के आप शीट ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। सेकेंड, अपने पास इस तरीके के जहाँ बेबी का एरिया है, जहाँ आप बेबी की सारी चीज़ें रखते हैं, वहाँ आप इस तरीके के कॉटन के कपड़े ढेर सारे इकट्ठे रख लें यूज़ एंड थ्रो के लिए, ठीक है। इनको यूज़ एंड थ्रो करना है, इनको ये वॉशेबल नहीं है, आराम से इनको यूज़ करो और तुरंत इनको आपको फेंकना है। अभी मैं बताऊँगी कि इनका यूज़ आपको कब करना है। जब बच्चे ने पॉटी कर ली तो आप कैसे साफ़ करोगे, डायरेक्ट पानी में ले जाओगे या किस तरीके से? कभी कभी हम थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, अगर उसे लूज मोशन है या उसने 2-3 दिन बाद पॉटी करी है तो वो बहुत गंदा हो जाता है। तो इस तरीके के कपड़े जो यूज एंड थ्रो के लिए मैंने हमेशा अपनी बेबी के लिए रखे हैं, मैं हमेशा उसके नियरेस्ट रखती थी कि जब भी पॉटी करे बेबी तो मैं तुरंत वहाँ से इसे ईजी पिक कर सकूँ। तो इस तरीके के आप भी काफ़ी सारे आपके घर में वेस्ट कपड़े होंगे, कॉटन के कपड़े होंगे, कॉटन के ही यूज़ करिएगा। तो कॉटन के कपड़े अच्छे धुले हुए होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, धुले साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े होने चाहिए, ये रखें अपने पास। तो जब भी बेबी पॉटी कर लेता है तो वो शीट जो मैंने अभी आपको दिखाई वो उसके नीचे होने चाहिए, ये यूज एंड थ्रो वाले कपड़े कॉटन के साफ ये पास में होने चाहिए। तुरंत आप बेबी के लेग्स ऊपर करिए और इस कपड़े से इस तरीके से पूरा वो एरिया बच्चे का वाइप कर दीजिए, पोंछ दीजिए नीचे से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके हाथों पर भी हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आराम से वो एरिया साफ़ हो जाएगा और आप इसको फेंक सकते हो। इसको आपको वॉश करने के द्वारा नीड नहीं है, तुरंत आप इसको फेंक दो, ठीक है। इसके बाद जब भी आप बेबी की पॉटी धो रहे हो, सर्दियों में तो आप
इजीली फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वाटर जो भी आप, सॉरी गर्मियों में, आई एम सॉरी, गर्मियों में आप अगर बच्चे का पॉटी एरिया वॉश कर रहे हो तो आप फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्दियों में आपको स्पेशली ध्यान रखते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। चाहे आप छोटे बच्चे का धुला रहे हो, चाहे वो इन्फेंट है, चाहे वो 6 मंथ का है, चाहे वो 1 ईयर का है, चाहे किसी भी एज ग्रुप का है, आप हल्के गुनगुना पानी हमेशा गीजर में रखें, या कोई भी आपके पास सुविधा है गर्म पानी की, वार्म वाटर की, तो वो हमेशा आप अपने बेबी के लिए रखें, और उसी से बच्चे के पॉटी को आप साफ़ करें, पॉटी एरिया साफ़ करें हल्के गरम गरम पानी से, ठीक है। इसके बाद आप बेबी को बेबी वाइप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चा को आपने अच्छे से नीचे से साफ़ कर दिया, साफ़ करने के बाद बहुत सारे मार्केट में आपको बेबी वाइप मिल जाएंगे, आराम से आप उससे बच्चे को पोंछ दीजिए नीचे से, क्योंकि जो बेबी वाइप्स होते हैं वो आराम से बच्चे की बॉडी को एकदम सूखा बनाते हैं, इसकी स्किन को ड्राई बनाते हैं, और जो बेबी की स्किन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो हेल्दी बनाने में हेल्प कर दें। तो आप चाहें तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बेबी वाइप्स के ऊपर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, कंफर्टेबल हैं बच्चों के लिए, इजी टू यूज़ हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों की पॉटी आराम से धुलने के बाद गर्म पानी से, साबुन वगैरह ना यूज़ करें, क्योंकि बच्चों के लिए, जो स्किन के लिए, नीचे वाली एरिया के लिए साबुन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेबी के लिए होते हैं, सिर्फ बेबी प्रोडक्ट ही यूज़ कर सकते हैं, उससे उसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप अच्छे से उसे पानी से धुल दी दीजिए, धुल देंगे गर्म पानी से, और उसे बेबी वाइप से पोंछ देंगे। पोंछने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप यूज करना है वो है, चाहे गर्मी चाहे सर्दी, दोनों ही सीज़न में, कोई भी सीज़न हो, आपको बच्चे के नीचे वाली एरिया में आपको प्रॉपर मॉइस्चर जरूर करना है। जैसे चाहे आप बोरो प्लस ले लें, काफ़ी अच्छा है, चाहे आप कोकोनट ले लें, काफ़ी अच्छा है। उससे क्या होगा कि बच्चे की स्किन है जो नीचे, वहाँ पर ड्राइनेस नहीं होगी, रफ नहीं रहेगी, वो एकदम मॉइस्चर रहेगी, क्लीन रहेगी, और बच्चों को वहाँ पर इचिंग नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ पर मॉइस्चर ज़रूर लगाएं, चाहे बेबी मॉइस्चर, चाहे आप बोरो प्लस, चाहे कोकोनट ऑयल, ये तीनों ही बेस्ट हैं। आप ये तीनों ही चीज़ें बच्चे के वहाँ पर स्किन पर लगा सकते हैं, तभी आप उसको दूसरा कपड़ा पहना है, ठीक है। ये लगाने के बाद ही आपको कपड़ा पहनाना है, ये नहीं कि आपने बच्चा बच्चे को ठीक से पहुँचा भी नहीं है और ऐसे ही उसको कपड़े पहना दिए, नहीं। बेबी को अच्छे से पहुंचना है, उसे वाइप करना अच्छे से, फिर आपको कोई भी लोशन क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको वहां पर लगानी, जो कि मैंने आपको बताया है, फिर बच्चे को आप कपड़े पहनाएं। आप यकीन मानिए, कभी भी बच्चे का जो पीछे जो बेबी का पॉटी एरिया, वहां पर लाल दाने नहीं पड़ेंगे, लाल स्किन नहीं पड़ेगी वहां पर, और बच्चा आराम से खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर वहां पर उसे इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो खुजा तो पाएगा नहीं, और क्या करेगा, वो रोता रहेगा, और जो वो नीचे वाली एरिया एकदम लाल पड़ जाएगी, और धीरे धीरे वहाँ पर दाने निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजी वे में अपनी बेबी की पॉटी को साफ़ कर सकते हैं, और हमेशा मैं इसी तरीके से अपनी बेबी की पॉटी को साफ़ करती आई हूँ। हमेशा मैंने इस तरीके से कपड़े, मैंने बहुत सारे रखे हुए थे जब वो छोटी थी, इवन 1 ईयर तक मैंने ये इस तरीके के कपड़े यूज़ करे हैं, ताकि बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर मैंने उसे वो अपनी ट्रेनिंग दी किस तरीके से, उसे मुझे पता चल जाती थी कि अब वो पॉटी करने वाली है, अगर 1 दिन नहीं करी, 2 दिन नहीं करी, तो मुझे हल्का हल्का आइडिया रहता था कि हाँ ये अब पॉटी करेगी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उम्मीद करती हूँ अगर आप नई माँ हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और बस लास्ट में जो वही कहना है, मेरे को अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एक लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिएगा। वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।